Khan TV is a name of beauty, health tips and fashion world. Assalamu alaikum viewers, Yamuna Khan is here with new video, new idea, new tips and new hopes. जैसा कि आप जानते हैं यमुना खान टीवी नाम है फैशन वर्ल्ड हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स का। तो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं ला रही हूँ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टिप्स, रेमेडीज़, फैशन से रिलेटेड मालूमात और इसी तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी और प्यारी सी वीडियोस, जिससे आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो। तो आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए अनार और उसके फवाइद। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद रहे, उसका चेहरा हशाश बशाश नजर आए और जिस्म में किसी विटामिन की कमी ना हो, खून की कमी भी ना हो। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान एहतियात करते हुए भी बीमारियों में घिर जाता है और खून की कमी का शिकार भी हो जाता है। खून की कमी दूर करने के लिए अनार एक बेहतरीन फल है। इन दिनों अनार बाजार में वाफर मकदार में मौजूद है। ये इंतहाई लजीज और रसीला फल है। ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अनार की तीन अकसाम हैं, अनार शीरी, अनार मजूस, अनार खट्टा मीठा और अनार तुरशी, ये भी खट्टा मीठा होता है। अनार की ये तीनों अकसाम सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं और एक अनार मुकम्मल गजाइत से भरपूर फल है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, पोटाशियम वाफिर मकदार में मौजूद होता है। अनार खून की कमी को दूर करता है और दिलो दिमाग को भी ताकत देता है। अनार मैदे और जिगर की खराबी की इसलाह करता है। अनार जिस्म में खून की कमी से पैदा होने वाली कमजोरी को दूर करके कुव्वत बहाल करता है। इसके अलावा अनार मलेरिया, डेंगू बुखार और खून के सरतान जैसे मरीजों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जिगर में सुफरा की ज्यादती, गर्मी, खून की खराबी, यरकान और दीगर अमराज के लिए अनार कमाल का फल है। अनार चेहरे को भी तरोताज़ा करता है। ये चेहरे के कील मुहासे ख़त्म करता है और जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है। इसके अलावा ये जिस्म में मौजूद कैलोरीज को कंट्रोल करता है। जो अफराद मोटापे से परेशान हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करें तो मोटापे पर काबू पा सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अनार के सेहत अफजा फवाइद। अनार का जिक्र कुरान मजीद में आया है और इसे जन्नत का फल भी कहा गया है। अनार खुश जायका होने के अलावा इसमें काफ़ी गजाइत बख्श अज्जा हैं, जो इसे दूसरे फलों से मुमताज़ बनाते हैं। अनार का जूस पेट की चर्बी घटाने में आपकी मदद कर सकता है। साइंसदानों का कहना है कि अनार के दानों में औरतों और मर्दों के पेट की इजाफी चर्बी कम करने की सलाहियत है। एक गिलास अनार का जूस रोज़ाना पीने से आपके पेट में चर्बी नहीं जमेगी। अनार दिल की बीमारियों से बचाता है। अनार दिल के लिए बहुत मुफीद है। दिल के अमराज के लोगों को अनार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अनार जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मकदार को एतदाल पर रखता है, जिसकी वजह से आप दिल की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अनार का इस्तेमाल करें और ज़्यादा अरसे तक जवान रहें। अनार बुढ़ापे को रोकता है और आपको ज़्यादा देर तक जवान रखता है। अनार कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी से भी बचाता है। अनार के चंद फवाइद और भी हैं। अनार किसी न किसी दर्द को ख़त्म करता है और शैतानी वसवसों से भी बचाता है। अनार के दानों को बीज समेत खाने से मैदा साफ रहता है, बालों की अफजाइश में भी मदद करता है, बालों को सेहतमंद रखता है, खून की पैदाइश को बढ़ाता है और इसे खून को एतदाल पर रखता है, खून की कमी को दूर करता है। जो लोग तेज़ मसालों वाले खाने खाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर आम मामूल के हिसाब से ज़्यादा रहता है, वो लोग अनार का इस्तेमाल करें। अनार ब्लड प्रेशर को करने में अहम किरदार अदा करता है। नोट, ये फल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कब्ज़, शुगर और बलगमी अमराज वाले लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अनार के दानों के अलावा अनार के छिलकों को भी मुख्तलिफ किस्म के अमराज में इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत सारी रेमेडीज़ भी बनाई जाती हैं। तो एक रेमेडी जो मेरे नॉलेज में है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अनार के छिलकों को आप धूप में खुश कर लें और इन्हें महफूज करके रख लें। जो ख़वातीन और जो हजरात अपने बालों को मेहंदी से रंग करते हैं,
उन्हें चाहिए कि 2 ग्लास पानी के अंदर अनार के छिलकों को उबाल लें और उस पानी को ठंडा करने के बाद उससे मेहंदी को गूंद लें। इस तरह से बालों में बहुत अच्छा कलर आता है। इसके अलावा दिल के अमराज के लिए अनार का कहवा पीना भी बहुत सेहत बख्श है और इससे दिल की बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। उसके लिए आप 1 कप पानी लें और उसे उबाल लें और उसमें 1 चम्मच अनारदाने का शामिल कर लें। यह कहवा पीने से दिल के अमराज में काफ़ी राहत मिलती है। होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रॉम यमुना खान, अल्लाह नेगेबान।